रजा थोड़ा सीरियस सवाल लेंगे, ये सोसाइटी है सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को। एक मिनट, सीरियस मुंह बनाने दें पहले। बना लो, इसके नंबर है। हो गया, हाँ। थोड़ा सा कैंची टाइट करो, ये कैंची टाइट, ये। मैं खुजा रहा था, अब ये ना पूछना का। ना पूछने का। बस एक नोट करो, देखो बात सुनो, जो रिवायती जुमले होते हैं ना, खुजली हो रही थी, पूछना नहीं कहाँ, ये अब हम नहीं करते टीबीएच, ये पुराने ये हो गए पिछले शो हो चुके। अब नया लाओ कुछ। होता ये कि जिस कंप्यूटर पे हम अपलोड करते तो ये एक और बोलिए स्प्रे, कहने लगे ऐसा स्प्रे सर एंटी बैक्टीरियल स्प्रे, इसको आप कहीं भी कर सकते हैं। तो आपने कहाँ कर दिया? नहीं, उन्होंने करके दिखाया मुझे। यार मैं रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर टेलीनॉर 4G और 2 ऑनेस्ट भी होने वाले हैं आप कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए शोर होना चाहिए। सादा पुरमगज बात करूंगा। वेलकम टू TBH3 प्रेजेंटेड बाय नाशपाती प्राइम। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जिस फैमिली ने बड़े बड़े नाम पैदा किए, सकीना समो, अयाज समो, मगर ये एक एक्सेप्शन है। फैमिली से तो ताल्लुक तो है मगर इतने मशहूर नहीं। आपकी भरपूर तालियों में खुजली लेकर आ रहे हैं रजा समो। क्लियर कर लूं रजा, आप आप ही हो रजा समो? मैं ही रजा समो। तो चाइना कॉपी तो नहीं, असल वाला। मुस्तफा चौधरी टच भी है आपके सर, मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं आई एम सच अ बिग फैन ऑफ बजात रहू, तो आप जब भी उनसे मिले उनको मेरा हाय कह दें। मैं उनसे मिलूंगा ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं इतना। वैसे आप ना इतने मशहूर हैं भी नहीं, पता है उनके घर जो भी जाता है वो मशहूर होना चाहिए। घर पे जाके मशहूर होता है वो ज्यादा मशहूर हो जाता है। मैं जो आपने ये जुगत मारी आते ही, इससे कोई असर नहीं होगा मुझे, मेरी बिल्ली नहीं मरेगी। सर आप बहुत डीट आदमी है, आपके शो पे जो मथिरा आ चुकी है ना, जी जी, आप बहुत हार्ड हो चुके हैं, अब नहीं हो सकता कोई, अब कुछ भी नहीं हो सकता। और आप शेर वाली शर्ट भी पहन के नहीं आए हो यार। मेरे यार आपका शो कहाँ, यूट्यूब पे ही आता है ना? नहीं, ये ट्रेंडिंग पे आता है। मेरे भाई मुझे इस काम के पैसे मिलते हैं। हाँ, वो तो हाँ। देख रहा है। रजा, आपकी जो लाइव हिस्ट्री है, बल्कि लाइव जो है बेसिकली, वो थ्री इडियट्स और अपना क्या कहते हैं रॉक स्टार संजू, इसका मिक्स है। ऐसा लगता है इस मिक्स को आपने रोल करके पी रहे हैं आप। तो ये क्या है, क्यों चरबा बनाया इसी लाइफ का, क्या है? कौन सी फिल्म ज्यादा इम्पैक्टफुल रही आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में इन समय से संजू जो है ना, वो ज्यादा इफेक्ट किया। किस क्यों, किस एतबार से? नशों के एतबार से? आपको बताऊं, मैं बहुत नशेई था। बहुत नशेई थे? हाँ। फिर छोड़ दिए या अब आदत हो गई? मतलब अब छोड़ दिए, अब आदत थी, अब छोड़ दी। क्यों यार, मजा नहीं आया, कुछ नया ट्राई करते हैं। आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए कैमरे के सामने बताइए, क्या चाहिए खुल के बताएं आवाम को, बहुत फैंस हैं आपके, पता नहीं क्या क्या। आप मुझे कंट्रोवर्सी में डालना चाह रहे हैं? इसके आगे भी बातें मेरे पास, वो आ जाएंगे। मुझे पता था ताबिश भाई, आप मैं आऊं और आप नशे की बात ना करें। तो जब पता था फिर आए क्यों? जब सब कुछ पता था आपको, जब पूरा शो आपने खुद ही सोच लिया है, तो फिर वहीं से कह देते ताबिश भाई थैंक यू, बहुत अच्छा शो रहा यार ताबिश भाई। अच्छा, ये जो एक लफ्ज मशहूर है आपका बाउराबी, इसको एक्सप्लेन करो। आप इसका मतलब तो सबको पता है, पिंडी से ये लफ्ज ओरिजिनेट करता है और राजा जी भी वहीं पे रहते हैं सारे, मगर बाउरामी की एसेंस क्या है, स्पिरिट क्या है बाउरामी की? बाउरामी मतलब बहुत हरामी। हाँ जी, तो पता है ये ना, मैं बता चुका था कि इसका मतलब पता है, मतलब पता है, एक्सप्लेन करने देंगे तो मतलब ऐसी बात है इस कॉल्ड तो बताना पड़ेगा ना। बाउरामी मतलब बहुत हरामी, और उसको यूज इस सेंस में करते हैं कि जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है ना, जैसे कि बहुत आला यार अंत चीज है, उद्दम चीज, हाँ मतलब कि इस तरह की बहुत आला बहु रामी यार, क्या रामी शो करते हैं आप, बहु रामी करते हैं तो यार आप जैसा बहु रामी मैं तो जैसे कोई लड़की पसंद आ गई, क्या बहु रामी राजा, ये पिकअप लाइन है, मगर ये पुलिस पिकअप कर लेगी इस लाइन से आपको, अब पुलिस को बोलेंगे तो ये होगा। खुजली फैमिली के नाम से भी आपने चैनल बनाया, क्यों खुजली, क्यों और फैमिली के तक पहुंचा दी खुजली आप? खुजली नाम, ये सवाल मुझसे बहुत ज्यादा हुआ है, और इससे मैंने ना कोई सोचा नहीं था रखते हुए, मैं जब नाम रख रहा था और मैं खुजा रहा था, अब ये ना पूछना का। ना पूछने का। बस एक नोट करो, देखो बात सुनो, ये रिवायती जुमले होते हैं ना, खुजली हो रही थी, पूछना नहीं कहाँ, ये अब हम नहीं करते टीवी, ये पुराने, ये हो गए पिछले शो हो चुके। अब नया लाओ कुछ, अब ये सेंसर्ड हो गया सारा। नहीं ये नहीं हुआ, खुजली हो रही थी हम कोई, नाम क्यों रखा खुजली यार? नाम बता तो रहा हूँ, कुछ ज्यादा सोचा नहीं था मैंने, ठीक है मैंने कहा नाम रखना है,
क्या रखूं, मैं खुजा रहा था, मैं कहा यही रख देते हैं खुजली पे। क्या खुजा? अनप्रेडिक्टेबल सवाल। आप ना जो है ना आजकल होस्ट जो गेस्ट है उसकी पतलून में बहुत घुस रहे हैं, इधर से बाहर आए, दुनिया और भी अच्छी है, रंगीन है, जरा देखे तो सही। अच्छा हाँ, ये जो 15 नंबर का सवाल था ही खुजली वाला, 6 नंबर दे रहा हूँ। अच्छा ये जो सोसाइटी है रजा, थोड़ा सीरियस सवाल लेंगे, ये सोसाइटी है सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को? एक मिनट, सीरियल मुंह बनाने दे, पहले बना ले, इसके नंबर है। हो गया हाँ, थोड़ा सा कैंची टाइट करो, ये कैंची टाइट ये। अच्छा ये रहा, अगर कोई YouTube कल बंद कर दे पैसे देना, कल पैसे देना बंद कर दे, मैं नहीं दे रहा। अरे भाई मेरे पास बहुत पैसे, बहुत पैसे हैं, नोट करो बेटा, नोट करो बेटा, दो नंबर अभी भी नए नए ताजे हैं यार, मैं नया अमीर हूँ, मैं आपको बताऊँ लग रहा है, मुझे तो शॉपिंग की आदत भी नहीं है, बिल्कुल नया नया अमीर हूँ मैं पी आर पैकेज से काम चलाता हूँ। यार कल मुझे उनको कहता हूँ आपका बिजनेस प्रमोट करता हूँ, हालांकि मुझे कपड़े चाहिए होते फॉरन आ जाते यार, मुझे भेजे इतने इतने छोटे यार, कहने लगे सर आपसे नहीं कराना था, भाभी से कराना था, आपने क्यों पहन लिया ये? तो ये एक और वो लिया स्प्रे, कहने लगे ऐसा स्प्रे सर एंटी बैक्टीरियल स्प्रे, इसको आप कहीं भी कर सकते हैं। तो आपने कहाँ कर दिया? नहीं उन्होंने करके दिखाया मुझे, किसी ऐसी जगह नहीं किया जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। मुझे क्यों तकलीफ पहुंचेगी भाई साहब, ऐसा जबान पे कर लेता जबान कड़वी हो जाती मेरी, आज मैं कड़वी बातें कर रहा हूँ। तो मैंने उन्होंने खुद करके दिखाया, इसको कहीं भी कर सकते, मुंह पे कर लिया, खुद छींके मारते रहे 3 महीने, फिर मुझसे कह रहे सर बहरहाल सर इसका एक रिव्यू कर दे, जहाँ पे भी जरा जहाँ पे भी चाहे। एंटी बैक्टीरियल से याद आया, कभी प्रिकली हीट पाउडर लगाया है? बिल्कुल लगाया, मैं बता तो रहा हूँ नया अमीर हूँ यार, बिल्कुल लगाया है। प्रिकली हीट पाउडर कहाँ कहाँ लगाया है? देखो जहाँ आप सोच रहे हैं वहां नहीं लगाया, मैंने इधर पीठ पे लगाया। मैं भी मुझे पता है, एक बार हम क्रिकेट खेलने जा रहे थे, तो क्रिकेट खेलने के लिए आपको बहुत सारी किटिंग पहनी, हार्ड बॉल क्रिकेट में आपको पता है गार्ड शार्ट पहनना होता है, मैंने कहा यार बड़ी स्वेटिंग होती है तो मैंने प्रिकली हीट पाउडर लगा लिया। अच्छा बहुत मजा आया शुरू में, तो बॉलर ऐसा कड़क नजर आ रहा मुझे। थोड़ी देर में वहां हवाएं चलने लगी, ठंड लगती है, हवा लगती है, तो मैं मिडिल स्टंप पे आती हूँ, बॉल मैंने खुद छोड़ी है, बल्कि बॉलर से बॉल लेकर आया इधर दो यार, मैंने खुद बेल जुड़ाई है, बैट पकड़ के मैं अंदर। मैं आपको बताऊं आप बैट्समैन थे कि बॉलर थे? उस वक्त मैं बैट्समैन था यार। आप बॉलिंग करते ना आपको सही जो ना आप थोड़ा रिलैक्स होते हैं, क्यों करके दिखाओ? ऐसे आपने बॉल पकड़ी हाँ, तो ऐसे भी करते हो बॉल? और आपने छोड़ना ही नहीं था बासित, अब हर किसी को मथीरा बनना है यार। यार रजा ये होता है कि अभी ना जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, इनको पता नहीं है कि क्या क्या थ्रेट्स हैं, अब ये नहीं कह रहा धमकियों वाले थ्रेट्स, मगर जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, चैनल्स हैक हो जाते हैं, आपका एक मेजर चैनल हैक हो गया, क्या कौन कर रही है हमें हैक? मुझे तो कुछ नहीं किया, आपको कौन कर रही है? लेकिन पता नहीं ये कौन है यार, ये को पैसे मांगे उसने हैक करके उस, हाँ हाँ ये बताओ वो पैसे पैसे क्या मांग रहा है? पैसे कह रहे हैं $300 व्हाट्सएप पे, मैं इतना सस्ते में तूने मेरा इतना बड़ा चैनल हैक किया? तो फिर मैंने उसे कहा कि भाई कोई सीन नहीं है, मैं YouTube से बात करूंगा, मैं अब्बू को बताऊंगा। अब्बू मैंने फिर डायरेक्ट उन्हीं से बात की और सीन सही हो गया। तो यार अच्छा जो यंग यूट्यूबर्स बन रहे हैं उनको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए? होता ये कि जिस कंप्यूटर पे हम अपलोड करते हैं, जिस कंप्यूटर से हम अपलोड करते हैं या उस पर एडिट करते हैं, उसी पर हमारे VPN का सॉफ्टवेयर होते हैं। यस मैं बाहर मुल्क से आया हूँ, मेरे पास नहीं है सॉफ्टवेयर। तो आप VPN लगाते होते हो, गंदे गंदे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे होते हो, क्रैक कर रहे होते हो, तो आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड होता है। तो जो काम है ना वो अलग कर लो, कंप्यूटर साफ शफाफ पाकीजा, समझ गया, धुला हुआ विवाह की पूनम की तरह बंधन में बंधा हुआ। हाँ और फिर जो आपने दूसरी रखनी है ना, मतलब हॉट गर्लफ्रेंड, वो दूसरा आप कंप्यूटर रखो जिसमें जो आपने गंद करने का, ये टेक्निक है यार। मुझे ये नहीं करना है, मेरे पास एक ही लैपटॉप है, मैं दो नहीं कर सकता। तो फिर इस तरह तो नहीं चलेगा, आपका भी हैक हो जाएगा, पता है क्या चीज़? कर ले, कुछ मिलेगा नहीं दोस्त, कुछ भी नहीं मिलेगा, 20,000 तो सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे मेरे। अच्छा आप अपनी बात कर रहे हैं? हाँ अच्छा कुछ हम जैसे जो लोग होते हैं ना मशहूर, उनका ये होता है कि हमारी वीडियो दूसरे लगा लेते हैं, दूसरे लोग लगा के लाइक्स लेते हैं, ये करते हैं। हाँ आप कोई स्टोरी लगा लो वो लाइक्स लेते हैं, होता है। तो आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, आपको खुद क्यों मशहूर होना पड़ रहा है मैं आपको नहीं पता, मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा मशहूर होने के लिए, किसी भी हद तक चला जाऊंगा। क्यों रजा,
क्यों मशहूर होना, मशहूर क्यों होना है, मशहूर होके क्या करना है? मशहूर होके ना मैंने आपको बताया मैंने वजाहत रूप के घर जाना है। क्या हो? अच्छा हाँ, वैसे मैं समझ गया क्यों जाना है आपको, हर मशहूर आदमी वहाँ घर जा रहा है। हाँ, वहाँ से एक्स्ट्रा मशहूर हो रहा है। अच्छा वहाँ जाके फिर मशहूर नहीं रहता? यही तो रेफरेंस चल रहा है, वो इतना मशहूर हो गई घर आ गई। अच्छा अब YouTube करा लिया, मशहूर हो गए, पैसे आ गए, नहीं अभी आएंगे जागेंगे ये लोग, फ्यूचर वेंचर क्या है, क्या करना है आगे, क्या करना है? बिजनेस टाइकून बनना है। बिजनेस टाइकून ये, और कंटेंट क्रिएटर बनना है, बहुत हैवी किस्म का, स्टैंड अप करना है, मैंने फिल्में करनी है, एक्टिंग करना है, मैंने म्यूजिक करना है, गाने गाने, और इसके अलावा जो है हाँ साथ में लगे हाथ बिजनेस करना है, इतने हाथ बचे इधर से पैसे उठाने, प्रोडक्शन करना है, फिल्में बनानी है, बहुत कुछ करना है। फिल्में भी काम कर रहे हैं? क्या बताऊँ, हाँ फिल्में भी काम कर रहे हैं? फिल्म में काम कर रहा हूँ। क्या क्या है फिल्म, किस किस्म की फिल्म है? फिल्म जो है वो बहुत ही क्रूड किस्म की ना, ऐसे डार्क फिल्म है। ओके okay. उसमें मतलब नेगेटिव करेक्टर है मेरा। प्रोटैगनिस्ट आप हैं? नहीं, एंटागनिस्ट आप हैं। और उसके अंदर प्रोटैगनिस्ट कौन है? तो बड़ा प्रोटैगनिस्ट देखो प्रोटैगनिस्ट होते हैं जिनकी सारी सोच उनके शेर में होती है, शायर होते हैं। जब ड्रग्स करते थे तो ड्रग्स कहां तक लेकर गए, किस पॉइंट पे लेकर गए कि छोड़ने पड़े? वो सीन ये था, मुझे लगाया ना मेरी बंदी ने, अब आप खुद ही बताएं, अब जब महबूब अपने हाथों से पिलाए तो नहीं रहती आराम, क्या कीजिए क्या कीजिए, तो वो आगे चल के हिसाब होना है इसलिए। लेकिन बाद में उसने धोखा दे दिया। हाँ। तो मैंने उस टाइम जिसके लिए मैंने शुरू किए नशे, वो नशा ही मेरे पास नहीं रहा, वो चली गई। हाँ। तो फिर मैंने कहा ये तो बैड सीन है। बीट बॉक्सिंग भी आप करते हो, बॉक्सिंग आपसे हो नहीं पाई तो आपने बीट कर दी, तो बीट बॉक्सिंग, तो आज ये क्राउड जो है, आज क्राउड इससे पहले कि आप बीट बॉक्सिंग करो मैं भी अपनी स्किल दिखाना चाहूंगा। आप अपनी स्किल, आप अपने स्किल दिखा, बीट बॉक्सिंग की नहीं, बीट बॉक्सिंग का ऐसा है कि बीट बॉक्सिंग तो आप ही करना, मॉडर्न जमाने की जो टेक्नो होती है, मुझे सिर्फ एक साउंड आता है जो पुराने जमाने की ना पाकिस्तानी फिल्मों में जो गाने आते थे जिसमें हीरोइन बाग बाग में आ रही होती, बाग में उसका एक खास अंदाजा गरारा पकड़ के थोड़ी टांगी चीजें करी और फिर तो उसका एक खास में जो म्यूजिक होता था वो स्टार्ट होता था टिंग 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 और एक ही बीट, एक ही सॉफ्टवेयर था उसमें, उसमें सिर्फ लिरिक्स डालते थे और वो बीट निकल के निकल आती थी। तो अब आप बीट बॉक्सिंग करेंगे? वो वाली नहीं, अच्छी वाली। तो आपने ये सारी बात बताई, उसका क्या इंस्पिरेशन मिले ताकि आपको पता हो कि आपने आगे किस तरह परफॉर्म करना है। इंस्पिरेशन मैं बता के चलता हूँ ना, ठंडा चला जाएगा वरना। तो ये अगर मैं ये वाला करूँ तो आप उस तरह करेंगे जो वो कर रही थी फसलों में? नहीं मैं तब भी नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा यार, आप ले लेना मेरे पास, यार मेरे पास भाई नहीं करूंगा मैं, और स्किल से वो करवा लूंगा। फूके मारी रजा ने, तेनु पवावा फूल, ऐसा गाना था। इसमें खास बात होती थी हीरो सिर्फ नाराज रहता था, हीरो नाराज रहता था बिल्कुल, वो उसे कोई मूड नहीं है वो पोस्ट, हमारे खानदान में ऐसा नहीं है, खड़ा रहता था, लेकिन उसकी पोस्ट नट क्लियरिटी होती थी। अब ये आप गूगल कर लेना, मैं करूंगा नहीं, मुझे पता है आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो बहुत ज्यादा, आपको मुझे पता है, आपको किसी ने कल वो आए थे ना क्या नाम है उनका, कौन आए थे? उनको भी लोगों ने फोन करके कहा था जाते ही ताबिश की लेनी है। नहीं मैं ये नहीं सोच के आया मैं आपकी कैसे ले अच्छा, सकता हूँ, मजा ही नहीं आया। कमिंग फ्रॉम लगता यार, मैं रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर टेलीनॉर 4G और 2 ऑनेस्ट भी होने वाले हैं आप कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए। कमिंग फ्रॉम लड़काना, लड़काना से आप आए हो, अक्सर वहां के लोग पैदा तो होते हैं मगर मरते नहीं है, तो फिर पीपल्स पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? यार पॉलिटिक्स का मुझे इतना कोई पता नहीं है, वहां पता चलेगा कुछ होगा तो पता चलेगा। हाँ यार यार असल में हमें शौर है, पॉलिटिक्स होती है, हमें शौर दिया ही नहीं जाता। हाँ वो अच्छी बात है, पता कराया नहीं जाता, वरना फिर हम सवाल करेंगे ना मेरे, वो हमारे हक का है। बहुत अरसे बाद ना उन्होंने इतनी तरक्की कराई कि ना घोड़ा रख दिया चौक पे,
एक घोड़ा रख दिया चौक पे और सारे ना खुश हो गए और सारे लोग उधर आके ना तस्वीर लेते हैं घोड़े के साथ, घोड़े के साथ। और लोग इतने हरामी हैं, उन्होंने बहुरामी है, उन्होंने जो लड़के हैं उन्होंने क्या किया, उस घोड़े का ना एक मिट्टी का वो बना दिया और घोड़े को उन्होंने वो मिट्टी का लगा दिया। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, मैं समझ रहा हूँ, कुछ रिएक्शन नहीं दूंगा। इतने जो है ना वो हरामी किस्म के लोग हैं। और फिर वहाँ पे फैमिली अगर आती थी तो वो ऐसा ऑकवर्ड फील करती थी कि ये क्या चल रहा है। फिर उन्होंने पता नहीं किसी बाप को गुस्सा आया होगा कि मेरी औलाद यहाँ पे आई, ये क्या हो रहा है, उसने वो ऐसे मतलब तोड़ दिया। अब वो है आधा है घोड़ा, आधा है नहीं। तो तरक्की इतनी हुई है और बस इसमें मतलब लोग खुश हैं। तो मुद्दे की बात शऊर नहीं है यार। कभी आप, मैं तो सोच रहा हूँ तुम इतने मशहूर आदमी हो, खुदा ना खास्ता कभी लड़काने में तुम्हारा मुजस्मा बन गया। ऐसा हो सकता है ना, मुजस्मा बना दिया रजा का माइक पकड़े में। माइक क्यों पकड़ा? तो गुस्से में आया यार, हम फैमिली के साथ आई, माइक पकड़ा गला है, तोड़ दिया। फिर कोई मिट्टी का बना गया माइक, उसके हाथ साफ ना हुए, हाथ में लर्जिश हुई, माइक गलत बन गया, कॉलर माइक लगा दिया उसने, कॉलर माइक हाथ में दे दिया। लोग बोलेंगे यार इनका देखो, ये इसके बाद माइक सही नहीं हो सकता है। जितना मशहूर हुआ हो ना, हाँ, सबको पता है कि मैं कौन। अच्छा, कोई फेलो कंटेंट क्रिएटर जिसपे शक हो कि यार ये जलता है, क्या मतलब चोरी की है क्या, शक क्या? तो सवाल पूछ रहा हूँ, शक हो कि यार ये मुझसे जेलस है। जेलस है? अरे बहुत। बता कौन, अभी से अभी सेट कर, बता। मैं नाम नहीं ले सकता ना। फट गई कहीं कहीं तो फटती है। ऐसे ही लोगों के ना मट्टी के माइक बनाने पड़ते हैं। वैसे होगा, अब मैं सब कुछ भी बोल लूंगा, ये वो बताना। या मैं बताता हूँ, बता अभी बताता हूँ। अब देखो मैं बताता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। मैं नाम लेता हूँ, चार पांच नाम लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं। दो सबसे ज्यादा जो मुझसे जेलस है ना वो है ताबिश। मुझे पता था, वेरी प्रेडिक्टेबल, वेरी प्रेडिक्टेबल। एक नाम हो गया, यही है सबसे बड़ा। मैं जेलस हूँ भाई, देख लो मुझे, कभी मेरे शो में आके बैठे खुद से। आपने इतने मैसेज किए थे यार, आपकी डिमांड आ रही है, आप आ जाओ। अच्छा, फेमस होने का यार, आप छोड़ बैठे, आप आ जाओ। अरे सीरियस, दिल पे मत यार, मैं बता रहा हूँ मुझे पैसे चाहिए। अच्छा, ओके, डू यू गेट? अच्छा, अब क्योंकि मशहूर हो चुके हो, तो मशहूर होने से पहले यानी जब यूनिवर्सिटी में थे और अब मशहूर होने के बाद, क्या ज्यादा फीमेल अटेंशन मिलती है या? अरे भाई बहुत, तब तो मुझे कोई मुंह नहीं लगाता था। इट इज एविडेंट यार, सीधी सी बात है, बात सीधी सी है। सीन ये है कि जो मुझे समझ आया भाई साहब, हाँ, तभी अपना ख्याल रख सकते हैं जब आप तो आप पैसे आते हैं, तो आप मशहूर हो ना हो, हाँ, जब आप पैसे हैं, हाँ, तो आप अच्छे दिख सकते हो। अच्छा, आई हैव अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं अच्छा दिख रहा था, पैसे नहीं थे। अच्छा, अगर हम तुम्हारी वेब हिस्ट्री देख लें आज, अगर यहाँ गूगल होता, क्या देख ले? वेब हिस्ट्री अगर यहाँ स्क्रीन लगी होती और मैं खोलता यार रजा का हैक कर लो सिस्टम और यहाँ उसकी गूगल शी वो खोल दो हिस्ट्री, क्या पहले टॉप थ्री क्या लिखेंगे? यार आप क्यों चाह रहे हो कि आपका यूट्यूब चैनल ये जो तो है? सही काम करते हो आप, इस तरह काम ही क्यों कर रहे हो? क्या पूछे भाई, क्या पूछे, जो पूछने को गंदी बात निकल आ रही है उसमें पहली बात, हर ऑप्शन में कोई मैं कॉपीराइट की बात कर रहा हूँ, आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक्स ना आ जाए ना। तुम्हारी हिस्ट्री देखने में मुझे कॉपीराइट के स्ट्राइक क्यों आ जाएंगे? तुम कर दो खुद ही, टाइटल से आ जाएंगे। रजा समूह की सर्च हिस्ट्री, पहला क्या चीज लिखी है? पहली तो यार मैंने जो लेटेस्ट चीज सर्च की है ना वो आ जाएगी, और वो यहाँ बताने काबिल नहीं है यार, आप क्यों मेरे जो है ना पॉपकॉर्न टाइम, पॉपकॉर्न टाइम। सुनना, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हो सेंड मी योर पिक्स और आपने फिर दस्ती बाथरूम जाके सबसे अच्छी, मैंने देखा है लोग बाथरूम जा रहे हैं, हाँ, सेल्फी लेने, सही, हर जगह सेल्फी, बाथरूम में ली जा रही है सेल्फी, और पीछे गंदे गंदे टाइल, पुराने तौलिए, तौलिए में इतना मेकअप फिल्टर लगाया हुआ है, तौलिए लटे, पुरानी शर्टें, चड्डियां लटक रही हैं, ये लड़के जो लेते ना ये और फिर जो इस्लामाबाद वाले लौंडे हो तो खड़े ही ऐसे होते हैं। यस यस,
थोड़े एरोडायनामिक्स खराब है उनके, ये चक्कर है, थोड़ा यू पीछे हो गया। हां वेरी गुड। तू कभी भेजी है? हां भेजी, तुम भेजी रिसेंटली? रिसेंटली नहीं भेजी, बहुत शरीफ हो गया हूं मैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पकड़े गए तो अब ऐसे टेक्स्ट पे ऐसा कोई सीन ही नहीं है। हां ये करना ही नहीं है, तो देख लो, सुन लो सब, टेक्स्ट पे वॉइस, ये जो वीडियो कॉल वगैरह होती, ये बिल्कुल भी नहीं करनी, ये बिल्कुल गलत बात है यार। मशहूर होगा कैसे ये काम? मिलके होगा, मिलके आप सेल्फी खींची वहीं डिलीट कर, ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही। हां बस वहीं पे डिलीट कर दिया। कमेंट्स तो जाहिर बात है आप पढ़ते होगे, पूछना फजूल है, सब पढ़ते हैं यार, सब पढ़ते हैं, कमेंट कौन नहीं पढ़ता, पढ़ते हैं सारे, पढ़ते हैं। किस किस्म के कमेंट्स पिस ऑफ कर देते हैं यार? एक और कमेंट आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा पिस ऑफ करता है, वो तब जब मैं किसी लड़की के साथ तस्वीर लगाता हूँ स्टोरी में या कहीं पर, लड़की के साथ तस्वीर लगाता हूँ वैसे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, वो एक कोई कमेंट आता है वो बोलता है नहीं देगी। मतलब ताविज भाई कितनी घटिया बात है, बहुत घटिया बात है, क्यों नहीं देगी? कोई ऐसी चीज जो लोग ना जानते हो? जो लोग ना जानते हो मेरे बारे में? हाँ। लोग ये नहीं जानते कि मैं अंदर ही अंदर बहुत बड़ा फिलोसोफर हूँ। ये तो लोग जानते हैं कि यार अंदर से कुछ है इसके, अंदर तो फिलोसोफर है इसके अंदर, ये जानते हैं लोग, जानते हैं लोग। मुझे अक्सर मुझे भी मेरी रिसर्च टीम ने कहा कि यार ये अंदर से बहुत डीप है, बहुत डीप आदमी है। ये असफर भाई ने बताया, रजा बहुत डीप है। आप पहले ही डूब चुके हैं भाई साहब पिछले शो में, यार उनको डुबाना आता था ना, आप तो दलदल हो खींच। यार मेरे पास वो पानी नहीं है, मेरे पास वो पानी नहीं है। अच्छा व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर? मैंने एक फैन को डेट किया था जो करना नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल समझ आई है। सब यही कह रहे हैं पर कर भी रहे नहीं, वो गलत गंदा एक्सपीरियंस हो जाता है ना। हाँ। फिर पता लगता है ये नहीं करना चाहिए भाई साहब। अच्छा ठीक वो है। मैंने एक तो हाइपर एक्साइटेड होती है, ओह माय गॉड, पहले तो मेरे पहली दफा ऐसा हुआ ना, मैंने कहा ये एक्टिंग कर रही है, ये मेरे लिए नहीं हो सकता। हाँ, ये तो लेकिन वो हो रहा था। उसके बाद चलो हुआ, यहाँ पे मेरे बाल पड़ा हुआ था भाई साहब, बाल अपना मतलब मेरा बाल था, तो उसने वो बाल ले लिया और बाल रख लिया अपने अजीब से ज्योमेट्री बॉक्स वाले पर्स में। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? कितने तुम्हारा बाल है? अरे मैंने कहा यहाँ ये वाला ना लो, मेरे पास और भी है। फ्रेश लो, फ्रेश 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 है, तो टूटा हुआ है ना, मैं फ्रेश फ्रेश बाल दो आप। तो उसने बाल ले लिया, अभी तक मुझे जो है ना डर लगता है कि वो कोई काला जादू में करा ले यार, उसको आइडिया आ जाएगा अभी। यकीन डीएनए टेस्ट कर लिया बाल से, कोई केस पकड़ा गया, डीएनए टेस्ट के लिए रजा नहीं मिल रहे। हाँ, तो बाल ले ली, मेरे पास रजा का बाल है। ऐसा भी होता है? और बालों से डीएनए टेस्ट होता है भाई। सीआईडी नहीं देखा आपने? दया पता करो। वो ऑफिस स्पिनर है, एसीबी प्रद्युमन बहुत बड़ा ऑफिस स्पिनर है, और कभी कभी जब बड़ा केस है ना दूसरा भी कराते हैं। केस जो पूरा है वो एक थप्पड़ से सॉल्व हो जाता है। हाँ, तो पीछे जो उसने तारू के ने रिसर्च की थी कि भाई ये जो मट्टी मिली है इस जूते से, ये अमेज़न के जंगलों के टोंगास की है, वो सारी जो रिसर्च थी, मतलब वो अब वो प्रिंट कराया उसकी बत्ती बना ले। अब असल में हुआ भी ऐसे कि अगर घुसे तो वो पहले कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं था। और तुम्हें कैसे पता चला कि खून हुआ है? तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। और कभी कभी तो इतनी ऑब्वियस बात देख रहे हो दया, उसकी सांस नहीं आ रही। हाँ, इसका मतलब समझे दया, ये मर चुका है। हाँ। और हाँ ये कौन करता है? मैं नहीं मारा था उसे। ये कौन? अच्छा क्यों मारा था? प्यार जो करता था उससे। प्यार कितने मार दिया? प्यार करके बंदा कौन मारता है यार? अंग्रेजी एक्सेंट नहीं, अंग्रेजी बोल तो लेते हो आप अंग्रेजी, मगर एक्सेंट नहीं था ना यार। एक्सेंट आप मेरा जानते नहीं है, मैंने दियो 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 या व्हाट्सएप ब्रो, ये एक्सेंट नहीं था। ये तो हमारे इलाके जौहर से भी लड़के कर रहे हैं व्हाट्सएप। आप कनाडा वाला लेके आएंगे तो फिर तो मैं आ जाऊंगा। हां अच्छा वो मैं वो लेके आता हूं, वो जोकर वाला लेके आता हूं, या फिर मैं क्लिंट ईस्टवुड वाला लेके आता हूं। कर लो पूरी परफॉर्मेंस दो। गेट आउट ऑफ द वे, आई डोंट नो यू, गेट द फक आउट ऑफ द वे। या फिर जो यार अगर 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 शेख रशीद इंग्लिश बोले, शेख रशीद इंग्लिश बोले
आप ही बताओ, मैंने उसको फॉलो नहीं किया ज्यादा। फॉलो करना भी नहीं, वो अंदरून गलियों में ले जाते हो आप चलते रहोगे फॉलो करते करते, अचानक से बोलेंगे आ गया तू जवान हो, और फिर कहाँ ले जाते हैं। मैं गया ही नहीं कभी फॉलो करके, मैंने सिर्फ सुना है। सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? डर मुझे वैसे किस चीज से नहीं लगता, किसी चीज से नहीं, किसी चीज से डर नहीं। यार चूहे से बहुत डर लगता है वैसे। आ गया ना, किसी चीज से नहीं लगता, चूहे से बहुत। कोई कॉम्प्लेक्स जो छुपाते हो आज तक? कॉम्प्लेक्स अभी तो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स क्या था? अंग्रेजी ना बोलने वाले अक्सर होते हैं हम जैसे लड़कों में। हाँ, शुरू में अंग्रेजी का बड़ा था यार मुझे, है ना। उसके बाद ये बर्गरों से दोस्ती करने के चक्कर में ना फ्रेंड्स पूरा देखा, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा, फिल्में देखी, एक्शन पकड़े, टैलेंटेड तो थे, फास्ट लर्नर थे, तो वो सब जब किया तो फिर वहाँ पे जगह बनी जाती। एक जमाना होता है जब अंग्रेजी नहीं आती होती ना लड़कों को, तो वो पहले जुमला 4-5 बार दिल में रिवाइज कर रहे होते हैं। गलत निकल जाता है जुमला। मैंने बोला हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू बोलूंगा, हेलो हाउ आर यू बोलूंगा, हेलो व्हाट, कैसी कैसी हैं। अच्छा भाई, जानना चाहते हैं लोग शादी का क्या मामला है यार, क्यों सारे मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े सारे, पूछना चाहते हैं। एक साइकिल, लाइफ साइकिल है, लोग यूजुअली पाकिस्तान में होता है, खास उम्र में जाके शादी करने में होता है। लेकिन मैं ऐसे सवाल से तंग आ गया हूं ना यार, मैंने अभी नहीं करनी शादी, इजी सीन है। बस ये बोल के आगे निकलो इसमें, इतना चलो लगे रहेंगे कि कर लो बेटा, हमारे पास लड़कियां यार, वो मुझे लगा रिश्ता लाए हो किसी का, वो बैठी है आंटी कांगी मैडम, वो कांग ये काम इनका, नंबर दे देना, जबरदस्ती करा दी दो तीन महीने। तो शादी का कोई अभी इरादा नहीं है फिलहाल? अभी कोई इरादा नहीं शादी का यार, भाई अभी तो मशहूर हुए, अभी तो लाइफ शुरू हुई है, अभी शादी के बाद जो है ना बंदा और ज्यादा मशहूर हो सकता है। अभी थोड़ा बैचलर लाइफ गुजारनी है। क्या डर है कि क्या चीजें खत्म हो जाएंगी अगर शादी कर लूंगा तो? यार एक तो जो है ना उसकी म्यूजिक, उसका म्यूजिक सुनना पड़ेगा गाड़ी में, और मुझे नहीं पसंद यार ये। आप किसी ऐसे खातून में शादी कर लें जो म्यूजिक ना सुनती हो? ऐसी बेसुरी बेजोक औरत से मैं शादी नहीं करना चाहूंगा। अब लड़कियां धड़धड़ म्यूजिक सुनती रहेंगी, बल्कि सब छोड़ देंगी। छोड़ो यार, अच्छा है वो म्यूजिक सुनने वाले पसंद, वो म्यूजिक वाला शादी कर लेगा, कान कटवा लो। बहुत सारी चीजें की होंगी तुमने ऐसी जो तुम बता सकोगे हमें, कोई ऐसी चीज जो बहुत क्रेजी हो और अब ना कर सको तुम, यार बहुत वो क्या कर दिया था यार मैंने पहले ना, ओए पहले मैंने बहुत सारी दे दो। हां दे दे, पहले मैं बड़ा यार मैं खुल के खेलता था ना जरा, सही है, मैं मशहूर नहीं था ना, सही है, इजी सीन होता था, जो मैं बाइक पे जा रहा होता था, एक वो उधर अंकल होते थे वो रेडी लगा के ना ये आम बेचते होते थे, मैं हर दफा जाके ना। आप क्या वो कोई शो करते? नहीं आपको वो नहीं, आपको शो नहीं करते, आ रहे थे नाम बजा रहा था, नाम आ रहे थे लेकिन छोड़ दो। तो मैं उसका आम लेके भाग जाता था, आम लेके भाग गया, रनिंग करके चला जाता था, चलते चलते वो कोई बंदा जा रहा है तो ऐसे बाइक पे चलते चलते ना, एक बहुत बाइक पे भी आप चल रहे हो तो फैशन तो नहीं हो रही ना, एक जिस तरह पाकिस्तान में बोलते हैं हेल्दी आदमी जा रहा था, तो एक हेल्दी आदमी जा रहा था, तो मैंने ऐसे बाइक पे चलते चलते ना, ये पहले की बातें जब मैं मशहूर नहीं था तब कर सकता था, तो ऐसे ऐसे जाके पीछे दोस्त भी मेरा बैठा था, तो हमने सोचा कुछ करते हैं शरारत, तो हमने ऐसे किया अंकल के, नहीं नहीं वो तो फुटपाथ पे जा रहा था ना, हम बाइक पे जा रहे थे, ओके अच्छा ठीक है, ऐसे किया और बाइक भगा दी, ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए रूफ टॉप पे कोई बैठा हुआ उससे दूसरे कह रहे क्या हाल है भाई जान ठीक हो, वो कह रहे जी जी, हम कह रहे चल है, अब ये नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते, बड़ी घटिया हरकत। हाँ ये तो है, मैं अपने घटियापन को बहुत मिस करता हूँ। अपनी अभी भी तुम यंग हो, लेकिन 15-16 साल के रजा समूह को क्या एडवाइस दोगे? मैं 15-16 साल वाले रजा समूह को बस कर दे, बहुत हो गई यार ये वाली तो सबसे पहले, ऐसे कोई खास जो है ना उसको मैं एडवाइस नहीं दूंगा, उसको मैं गलतियां करने दूंगा, करने दोगे? हाँ सही है, उसी से सीखा है भाई ये सब कुछ, बना उसी से, ये सब बनाया उसी से, तो अब जाके उसको मैं बोल दूं तो वो तो सोचो जा रहे हो आप, सोचो रजा 16 साल का खड़ा हुआ है और बड़ा रजा जा रहा है, और वो ही वाला आरामी जो यूं बाइक पे जा रहा है, हाँ सोचो आप जा रहे हो छोटा रजा आ रहा है बाइक पे यूं हाथ लिया और मैं जा रहा हूँ, मुझे लग रही है ये कि तो सही इंसेप्शन टाइप, फिर ख्याल होगा, फिर ख्याल आएगा यार नहीं करता तो अच्छा था। बहुत मजा आया रजा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, यू आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब, और इंशाल्लाह देखना ये है कि पाकिस्तान को उस जगह लेके जाना है जहां पे लोग कहें यार ये होता है कंटेंट एंड पीपल आर लुकिंग एट यू। और नाशपाती प्राइम टीबीएस टू बी ऑनेस्ट में आप आए, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी बासित अगले सारे गेस्ट बड़े नाम और होस्ट भी कोई बड़ा रखें।
इस शो की खास बात ये है, यहाँ कोई भी होस्ट बन जाए वो बड़ा हो जाता है। थैंक यू राजा, ब्रिलियंट शो। यार मैं रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी होने वाले हैं आप कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए नाशपाती प्राइम को सब्सक्राइब करें और टू बी ऑनेस्ट को देखते रहें।